जिन्होंने आगजनी की थी, भैया आपने जलाया है तो अब उसकी भरपाई भी कर लो। इस चांद की भीख मांग रहे हैं और इनके द्वारा अनैतिक तरीके से कमाई गई संपत्ति पर सरकारी बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको तय करना है, अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। आपने देखा होगा 3.5 वर्ष के दौरान कोई दंगा प्रदेश में नहीं हुआ और किसी ने किया तो हमने कहा कि भाई अगर तुमने जो है नुकसान किया है तो भाई इसकी भरपाई भी करो, तुम्हारे मकान को ही बेच कर हम इसकी भरपाई कर लेते हैं। भाई अगर कोई मरने के लिए आ ही रहा है तो जिंदा कहां से हो जाएगा। बिकेगा तेरा मकान भी अच्छा रेट में, एक बार पत्थर तो फेंक कर देख उत्तर प्रदेश में। लगेगा तेरा भी पोस्टर शहर के चौक में, फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन तो करके देख उत्तर प्रदेश में। नमस्कार, ये पंक्तियां इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बनी हुई हैं। इसके जरिए पदवियों पर सीएम योगी की ओर से लिए गए तगड़े एक्शन को दर्शाया गया है, क्योंकि नागरिकता कानून के विरोध की आड़ में उपद्रवियों ने जो उत्पात मचाया और उसके बाद सीएम योगी ने इन पर जो कानूनी डंडा चलाया उससे तो पूरे यूपी में दंगा करने वालों की हेकड़ी निकल गई। अब पत्थरबाजी करने से पहले ये लोग 100 बार तो सोचते ही हैं, साथ ही पत्थर छूने से भी डरने लगे हैं। वैसे इनको डरना भी लाजमी है, क्योंकि जिसने भी उत्तर प्रदेश के अंदर उपद्रव करके पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया उसका सूबे के भगवादारी मुखिया ने ऐसा हाल किया है कि उसकी पीढ़ी सदियों तक याद रखेगी। क्योंकि पहले तो उपद्रवियों को चिन्हित करके इनकी फोटो चौराहों पर लगाई गई और फिर योगी सरकार ने वसूली अभियान चलाते हुए इनकी संपत्तियों को कुर्क करने के नोटिस चस्पा करा दिए। ये सब देखकर दंगाई गिड़गड़ाने लगे और रहम की भीख मांगने लगे, मगर सीएम योगी ने ठान लिया है कि उपद्रवियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, इसीलिए कार्रवाई अभी जारी है। इसी बीच राजधानी लखनऊ में नागरिकता और एनआरसी की आड़ में हिंसा फैलाने वाले आरोपियों खिलाफ लखनऊ पुलिस ने धारा 82 की कार्रवाई करते हुए डुगडुगी बजाकर उनके घरों पर नोटिस चस्पा करा दिए हैं। इसके आगे अब पुलिस धारा 83 की कार्रवाई करके कुर्की की कार्रवाई करेगी। जानकारी के मुताबिक ठाकुरगंज थाने में दर्ज मामले में 27 ऐसे आरोपी थे जो एनआरसी की हिंसा में शामिल थे। इनमें 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और एक आरोपी ने सरेंडर कर दिया था। हालांकि 7 आरोपियों ने कोर्ट से गिरफ्तारी का स्टे ले लिया था, जिसके बाद बचे हुए 8 आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई करते हुए धारा 82 की कार्रवाई की गई है, जिसमें उनके घर के बाहर डुगडुगी बजाकर नोटिस चस्पा किया गया है और अब आगे की कार्रवाई 83 के तहत की जाएगी। बता दें कि लखनऊ में 19 दिसंबर को सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटते हुए सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद लखनऊ पुलिस ने एफआईआर लिखकर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था, मगर कुछ आरोपी अब भी किसी बिल में जा चुके हैं जिन पर फिर से कार्रवाई शुरू हो गई है। अब इनका बचना मुश्किल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज़। नमस्कार।